मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। जब मैं घर पे नहीं थी कोई आया था घर पे? जी वो बाजी आती थी। कौन? शोला, शोला बाजी आती। मिसेस तुफैल आई थी हमारे घर। आपके बेटे अब्बास का बड़ा नाम हुआ है ऑफिस में। हाँ जी माशाल्लाह, मेहनती तो वो है। मेहनत में नाम नहीं हुआ आज साहब, रिश्वत में बदनाम हुआ है, रिश्वत में। अस्सलाम वालेकुम बेटा। स्टॉप इट, क्या बेहूदगी है ये? मैं सिर्फ अपने बाप की बेटी हूँ और किसी की नहीं, और ये सर पर हाथ फेर कर प्यार देने की आदत छोड़ दे या फिर इस घर में आना। आज जैसा घर बनाने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कार बंदे को सादा ही बनाना चाहिए, सादगी में बड़ी बरकत है। पर बाद में बात होती है। कहते हैं कि मियां बीवी के झगड़े से रिस्क की बरकत खत्म हो जाती है। अच्छा जी, आजकल ये इतनी अच्छी बातें तुम्हें कौन सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा रहा, ये तो बचपन से सुनी हुई बात है। जब इन बातों का वक्त था तब तो तुम्हें ये बातें याद नहीं, अब अचानक कैसे याद आ गई? याद थी मगर। नगीना बेगम, जो वक्त और याद बंदे को तकलीफ देना उसे भूल जाना चाहिए, जैसे मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे साथ गुजरे हुए हर वक्त को। ऐसी बातें क्यों करते हो तुम? तो ये सब बातें मैंने तुमसे सीखी, तुमसे। और मेरे माँ प्यो ने जो कुछ मुझे सिखाया था वो तो मैं भूल गया। अब और बातें मुझे मत सिखा, ऐसा ना हो कि तुमसे सीखी हुई बातें भी मैं भूल जाऊं। असी भूलन हारे भूल गया वांग का खादे रुल गए। जब से तू ऐशा की तरफ से आया मुझे कुछ परेशान परेशान लग रहा है, खैर तो है ना? नहीं नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है, बस वो कर्जे के बारे में सोच रहा था, उतर ही नहीं रहा कमबख्त। अल्लाह ने चाहा तो वो भी उतर जाएगा, ना परेशान हो। तू ये बता, ऐशा ठीक थी, खुश थी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक थी, बड़ी खुश थी। जब मैंने तेरा बनाया हुआ हलवा उसे दिया ना तो बड़ी खुश हुई, कहने लगी वही खुशबू है जो अम्मी के हाथ की होती है। अब बल्कि कह रही थी कि आप अम्मी को भी साथ ले आते हैं। हाँ तो ले जाता ना, मैं तो खुद तैयार थी जाने को। और अच्छा हुआ कि तू साथ नहीं गई, बड़ा रश था ऐसे खाम खाद तक तो के वजने थे और तूने परेशान हो जाना था। अच्छा और क्या कह रही थी आशा? अब फातिमा, मैं जब भी उसके घर जाता हूँ ना, माशाल्लाह से इतना बड़ा घर है कि मैं अपने आप को बड़ा छोटा सा महसूस करता हूँ। खैर से इतने बड़े घर की अकलौती बहू है हमारी बेटी। माशाल्लाह। जब की चली पाई
रोटी डाल दो तुझे मैं है तू बैठ मैं गरम गरम रोटी डाल के आती नहीं नहीं रहने दे उन्होंने बड़ी खातिर तो वाजो की है मैं खा गया हूँ वहाँ से हंसी वांग दिला दे डुल गए अज वांग का खा I lost my diamond expensive necklace. कल मिसेस कदीर आई, I showed it to her and put it here on the table. उसके बाद कहाँ गायब हो गया? किसी ने चुरा लिया उसको. यहीं कहीं होगा, मैं ढूंढ लेती हूँ. ओह बीबी, ढूंढ लेती हूँ. उसके विंग्स नहीं है, फ्लाई अवे नहीं कर गया. मैं ऐसा करती हूँ तैमूर को फोन करती हूँ, शायद उन्होंने उठाकर रख दिया ताकि घूमे ना. ओह तैमूर को ये आते नहीं है. Not even my servants. यहाँ पर इतनी छोटी आदत किसी की नहीं चीजें चुराने वाली. मेरा लाखों का इतना कीमती हार है, ना कोई आया ना कोई गया, कहाँ चला गया? भाभी के अब्बा आए थे. हैं? और मैंने तो मना किया, वो क्या लेने आया था इधर? हार चुराने आया होगा, मकरूज है बेचारा. मुंह संभाल कर बात करो तुम, जबान ज्यादा चिढ़ाती है तू. है ऐसे क्यों हो रहा है? दिल को क्या हो रहा है? पता नहीं, सब बच्चों की खैर हो. बदतमीज लड़की, इल मैनर्ड. जल्दी से घर आओ, जैसे बिग टर्मोइल है. हाँ नहीं तो आओ तो बताती हूँ, जल्दी आ जाओ. बस मुसीबत पड़ी हुई है, साहब उठा के ले आए. लो लाइफ यहाँ पे बैठी हुई है तो चोरी करके अपने आप को मजलूम साबित करना चाहती हूँ भाई के सामने. मैंने कुछ नहीं किया. कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तुमने? इधर आओ, इधर आओ तुम. कुछ नहीं किया तुमने? चल तुझे मैं तेरा नहीं चाहती. और चल मैं तुझे तेरा आज मुका. चल फातिमा, फातिमा पता नहीं मेरे दिल को क्या घबराहट पड़ रहा है. सब खैर तो है ना? मेरा मतलब ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने से कोई दिल निकाल के ले गया. पता नहीं क्या हो रहा है. तू खड़ी क्यों है? बैठ 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 बैठ. घबराहट हो रही है बहुत ज्यादा. अल्लाह खैर करे. पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है. मेरे दिल को खिंच पड़ी है तो घर आया हूँ. बाकी सब खैर है ना? अल्लाह जाने, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे भी. तेरे बाप के अलावा कोई नहीं आया था इस घर में. यही सोफे पे बैठा हुआ था ना, और हार तो पास ही पड़ा हुआ था. क्या मुश्किल है एक छोटा सा हार जेब में डाले ना. इसीलिए तो ब्याही जाती हैं बेटियां अमीर घरानों में. अपनी बकवास बंद करो, मैं सबकी बातें सुन रही हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बाप पे इल्जाम लगाओ. ओह यू नो लाइफ, मतलब इसी करती है मेरे बेटे के साथ हैं? मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ. मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ. तुम्हें क्या चलो चल मैं नहीं जाऊँ. मैंने कुछ नहीं किया. मैंने कुछ नहीं किया. जो मुझे चाहिए तू जांच मैं बताती हूँ. चल मैं नहीं जाऊँगी. चल चल चाइल्ड मैं तुझे कह रही चल यहाँ से. बता कहाँ है हार? ओ उठ. मैंने कुछ नहीं किया.
कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता नेकलेस कहाँ है। वाह, मेरा इतना एक्सपेंसिव डायमंड का नेकलेस मेरा बाप चुरा के ले गया। He stole my necklace, और मैं चुप रहूं? अब मेरे अब्बा जी पे इल्जाम लगा रही। बकवास करती हो नीच। तेरे बाप के अलावा कोई नहीं आया था इस घर में, यही सोफे पे बैठा हुआ था ना, और हार तो पास ही पड़ा हुआ था। क्या मुश्किल है एक छोटा सा हार जेब में डाल लेना। इसीलिए तो ब्याही जाती हैं बेटियां अमीर घरानों में। अपनी बकवास बंद करो, मैं सबकी बातें सुन रही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बाप पे इल्जाम लगाओ। ओह यू नो लाइफ, बदतमीजी करती है मेरे बेटे के साथ हैं? क्या हुआ मामा? वही हुआ ना जिसका डर था, तुम्हारा ससुर चुरा के ले गया मेरे तो एक्सपेंसिव हार, माय एक्सपेंसिव नेकलेस। ऐसा कुछ नहीं है मैंने चोरी नहीं की, मेरी बात का यकीन करो, मैंने चोरी नहीं की। और मैंने सब पता करा लिया है, I have got all the information। पूछो इसे कि बाप ने कर्जा उतारा कि नहीं उतारा, पूछो बोलो। हाँ, उन्होंने कर्जा उतारा, लेकिन मैं अपनी सैलरी देती थी और मेरा भाई पैसे भेजता था। मॉम, मैं तो कहती हूँ FIR दर्ज करवाएं, फिर सारी दुनिया देखेगी कि अब्बा जी मोहतरम अपनी बेटी के घर आए और चोरी करते पकड़े गए। नहीं तैमूर, आप समझाए मैं इनको, मैं कुछ नहीं किया। मैं आपको कह रही ना, फोन करें और FIR दर्ज करवाएं। कोई जरूरत नहीं है FIR दर्ज करवाने की। इसके खानदान की बदनामी हो ना हो, हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तैमूर, अब भी? लेकिन अब ये इस घर में नहीं रहेगी, ये अपने बाप के घर जाए, और जब तक हार ना लेके आती वापस नहीं आ सकती। तुम नहीं जाओ ना। मैंने कुछ नहीं किया। चलो चलो, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने किया तुमने, चलो चलो। मैं नहीं जाऊंगी, तुम मेरे पास से नहीं जाओगी। मैं नहीं जाऊंगी, तुम मेरे पास से नहीं जाओगी। कौन आया? अल्लाह खैर करे, या अल्लाह खैर की खबर हो। ओए तू फातिमा, ओ देख तो सही कौन आया। मम्मी हाय, मैं सदके जाऊं। हाय, तू कहां से आ गई? मम्मी कैसी हैं आप? बताया भी नहीं, चला आ जा पहले। घर से आई, बताया ही नहीं, फोन ही कर देती। लगे इसी की वजह से दिल घबरा रहा था। अल्लाह ने खुशी तो खाई है।
हमारी बच्ची घर में आई है। आपकी बहुत याद आ रही थी तो मैंने सोचा मैं आपके पास कुछ दिन रहने के लिए आ जाऊं। सोनिया छोटी छोटी बातों पे अपना मूड खराब ना किया कर। तो पहल है ना आपकी खिदमत के लिए। बाद में बात करता हूं। उसी से बात कर रहे थे। तुमसे मतलब मैं जिससे मर्जी बात करूं। तुम्हारा क्या मसला? क्यों मेरा कोई मसला क्यों नहीं? तुम मेरा हक किसी और को दे रहे हो और मैं खामोश रहूं? ना ना नगीना बीबी ना, मैं किसी का हक नहीं मारता। शरा में चार जायज है चार। एक डांसर से अफेयर चलाते हुए तुम्हें शरा याद नहीं है? मोहब्बत करती है मुझसे, बड़ा ख्याल करती है वो मेरा। कितने पागलों कितने बेवकूफों से तुमसे नहीं तुम्हारे पैसे से प्यार है। तो कौन सा पहली दफा ये काम होगा मेरे साथ? तुमने भी तो मुझसे पैसे के लिए प्यार किया था। यू लव ओनली माई पैसा नॉट मी। नहीं झूठ है ये। मैंने तुमसे शादी करने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी और अगर तुम्हें याद हो तुम उस वक्त उस गंदे से छोटे से मोहल्ले में रहते थे, इतने बड़े घर में नहीं। और अगर आज तुम डिफेंस के इस घर में ना होते ना तो मैं देखती तुम्हें कैसे घास डालती। अरे बड़े बड़े अमीर आदमी आते हैं उसके पीछे, लेकिन वो सिर्फ तुफैल को पसंद करती है, सिर्फ तुफैल को। शर्म करो तुफैल, थोड़ी सी शर्म कर लो। अपना खानदान देखो और अपनी करतूत देखो तुम। एक अच्छी खासी खानदानी बीवी के होते हुए तुम दलदल में पैर रखना चाह रहे हो? फिक्र ना कर नगीना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे मुझसे सिर्फ पैसा चाहिए ना, पैसा तुझे मिलेगा, खर्चे की तंगी नहीं होगी। कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे खानदान को पाला, इतनी कुर्बानियां दी, अपनी कमेटी तक दे दी, ये घर बनाने में तुम्हारा साथ दिया और अब तो मुझे इसी घर से निकाल दोगे। नगीना बेगम, मैं तुम्हारी टेंशन समझता हूँ। तुम्हारी टेंशन सिर्फ ये घर है ना, तो कोई बात, मैं अपनी शोला को कोई दूसरा घर ले दूंगा। तेरी खातिर मैं अपने माँ पियो का घर छोड़ सकता हूँ, तो उसकी खातिर तेरा घर भी छोड़ सकता हूं। आई बात समझ? क्या कह रहा था मैं? मैंने एक शादी में देखा था दुल्हन को पहनने में आपका लहंगा, मैंने उसी वक्त सोच लिया कि नेक्स्ट फैशन शो में आपकी कलेक्शन डिस्प्ले जरूर करूंगी। अच्छा कब है ये फैशन शो? अगले महीने है, लेकिन आपको कम से कम 20 पीसेस तैयार कराने होंगे। ये तो बहुत कम वक्त है। आई नो वक्त तो बहुत कम है, लेकिन ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत वाइड एक्सपोजर मिलेगा आपको। आपके डिजाइन में एथनिक और मॉडर्न का बड़ा यूनिक फ्यूजन है और ऐसी चीजें तो वेस्टर्न मार्केट में बहुत पसंद की जाती है। अच्छा तो इसमें बाहर से भी लोग आएंगे? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैशन शो तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और आप दिनों में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन मैंने इससे पहले कभी किसी फैशन शो में शिरकत नहीं की है। आप इसकी फिक्र नहीं करें, मेरी टीम आपको सब कुछ बता देगी, मेरी मॉडल से भी मिलवा देगी। अच्छा इन सब को मिला के कितना खर्चा हो जाएगा? फैशन शो की फीस होगी, मॉडल्स और मेकअप आर्टिस्ट की फीस होगी और ज्वेलरी मैं आपको ज्वेलरी हाउस से अरेंज करवा दूंगी। मैं आपके चंद डिजाइन देखना चाहती हूँ। जी जी आइए आइए।
अरे शाइस्ता भाभी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कब आया? मुझे तो आए हुए 2-3 हफ्ते हो गए हैं। हाय अल्लाह, सच्ची? तुम मेरी तरफ नहीं आया? आप भी तो नहीं आती ना मेरी तरफ? बस पास आने ही नहीं देती। आपको भी? तुम्हारी शोहर भी तुमको आने नहीं देती? तो अब कैसे आया? इसीलिए तुम नहीं आता था, अब तुम लड़के आया? अरे नहीं नहीं, वो अम्मी अब्बा के लिए उदास हो गई थी ना, तो इसीलिए आई। उदास तो मैं भी हो जाता हूँ, जब से घर अलहदा हुई है ना, तो मैं सबसे बात करने को तरस जाता हूँ। तो क्या फिरोजा भाभी से भी नहीं मिलने देते अब्बास भाई? ना, उसके पास तो खुद टाइम नहीं है। उसको मैंने, आयशा तुमको पता है हमने इतना बड़ा टीवी लिया? हाँ, तुम आओ हम मिलके मूवी देखेगा। अब नहीं भाभी, आप देखें फिल्में। अच्छा आबिद, पानी पिलाओ आबिद। आबिद आबिद कहाँ है? सो गया। इतनी जल्दी? रात के 2 बज रहे हैं। आजकल वक्त का पता ही नहीं चलता। ये बात तो मुझे अक्सर तब कहते थे जब मेरे साथ होते थे, शादी से पहले। नगीना, मैं कितनी बार कहा, अपने साथ गुजरे हुए लम्हे मुझे याद मत कराया करो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि अब तुम धोखे में हो या उसे धोखा दे रहे हो? मोहब्बत यकीन का नाम है नगीना, जिस पर आ जाए उसे हो जाती है, और जिस पर से उठ जाए उसकी मोहब्बत खो जाती है। कि मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगी, तो फिर तुम आज भी मेरी जिद हो जब तुम किसी और के होने जा रहे हो, और तुम उस दिन भी मेरी जिद थी जिस दिन फिरोजा से मैंने तुम्हें छीना। कटला तो अच्छा 30 लाख है, मगर उस पर सूद रेट जरा ज्यादा है। सूद पर कर्जा लिया आप जानते हो नहीं? हाँ, मेरे बेटे की दुकान है। अली साहब, आपके बेटे ने सूद पर कर्जा लिया है, तो ना सिर्फ सूद पर कर्जा लिया बल्कि उसी दुकान के नाम पर बैंक से गाड़ी भी निकलवाई है। मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ, मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। मालिक, शाइस्ता मिली थी कल मुझे। कहाँ आ रही थी? नहीं, मैं बाहर निकल रही थी तो दरवाजे में खड़ी थी, बता रही थी आयशा आई हुई है। आयशा आई हुई है रहने के लिए? आई है, कह रही थी लड़के आई है, 2-3 हफ्तों से यही है।
शादी तो उसने अपनी पसंद की है, तो फिर लड़के क्यों आई है? ये तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन पसंद की शादियों का यही अंजाम होता है फिर। और मैंने पहले ही कहा था, हाथ से निकलती जा रही है ये बार, खुद सर हो गई है। अब्बा जी उसको कोई लगाम डाले, पर मेरी सुनी नहीं अब्बा ने, हमेशा उसको ही सपोर्ट करते रहे हैं। अब भुगते, लेकिन मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के घर बस दे रखे। ऐसा नहीं की भाई, हम क्यों पड़े दूसरों के मामले में, हैं? हमें अपने काम थोड़े। I couldn't sleep the whole night. सारी रात नहीं सोई मैं। परेशान तो मैं भी ना हूं मामा। Unbelievable. यकीन नहीं आता कि ये ऐसे भी कर सकते हैं। मामा सोच तो मैं भी नहीं सकता, वो लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। You are blind in her love. उसकी मोहब्बत में अंधे हो गए हो तुम तो। मामा बात मोहब्बत की नहीं है, बात उसके खानदान की खुदारी की है। मैंने देखा भी है, मैंने सुना भी है। Let me tell you one thing. When the burden of needs become bigger and bigger, तो नियतें खराब होने में देर नहीं लगती। लेकिन फिर भी प्लीज प्लीज स्टॉप एडवोकेटिंग देम। वकालत करनी छोड़ दो उनकी। मैं वकालत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें इस मामले को किसी और जाने से भी देखना चाहिए। So you mean to say that कि कोई और भी हो सकता है? क्या पता, हमें किसी और पर्सपेक्टिव से भी देखना चाहिए इस बात को। But my elder son, I pay a lot to my servants. उनकी जरूरियात से बढ़ के आई गिव देम। वो तो ऐसे नहीं कर सकते, दे कांट डू लाइक दैट। यू नेवर नो। नई सोच में डाल दिया तुमने तो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। हाय, वालेकुम सलाम। मेरा कुत्ता जीता रहे तो कैसा है तू? माँ जी बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं। हाँ पुत्र, मेरी तो दुआएं ही दुआएं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मेरी दुआ तुझे लगती है, आयशा को क्यों नहीं लगती? क्यों, क्या हुआ आयशा को? क्या बताऊं, परेशानियों ने जैसे घर ही देख ली, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अच्छा अच्छा जी, आप परेशान ना हो। और अब्बा जी को अपना तसल्ली दीजिएगा, मैं बहुत जल्द वापस। अच्छा बेटा, अच्छा। चल, क्या हुआ शुजा? बहुत बड़ा मसला हो गया शर, मेरी बहन की ससुराल वालों के साथ लड़ाई हो गई। नहीं, ये ड्रामे की शूटिंग कब खत्म होगी यार, मैं वापस चला जाऊंगा। दो दिन का ही तो काम रह गया, नेक्स्ट वीक स्टार्ट कर रहे हैं ना, हम लोग मिलके साथ चलेंगे, फिर मिलके सारे मसले हल कर लेंगे, तुम परेशान ना हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ये ना
चावल बना के ना, तो मैं जरा रजिया की तरफ जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो देख लेना पीछे से। अपना शुजा की शादी कर देनी चाहिए। तो जो शुजा ने कहा है बात करने को मेरे? अम्मी अब वो बच्चा तो नहीं है, अगर उसने किसी को पसंद किया तो कोई ना कोई तो खूबी होगी ना। हे कसवा खूबी है उसमें, ऐसी लड़कियां ना चिलतरबाज होती हैं और कुछ नहीं। मिले बगैर आपने ये कैसे फैसला कर लिया कि वो चिलतर और तेज है? तूने देखा था टीवी पे क्या कर रही थी वो, है कैसे फुसला रही थी मेरे बच्चे को, मासूम को। अम्मी वो ड्रामा था। मुझे ना समझा, दुनिया देखी है मैंने, मुझे सारा पता है ड्रामा था आई बटी। अम्मा आपने अभी तक उसे सिर्फ ड्रामे में देखा है, अब अब्बा से एक दफा बात तो करें। तेरे अब्बा की ना जुत्ती घिसी है, वजन नहीं कम हुआ उसका, पाँव में है जुत्ती अभी, उतर भी सकती है। बुड्ढे बारे मेरे सिर में सुहाना डलवाओ, मैंने सोच लिया बस पूजा की शादी मिट्टो की लड़की से होगी। वो जिसकी आंखें आपस में नहीं मिलती, आप उससे रिश्ता मिलाना चाहती हैं? आपको क्या लगता है शुजा शादी कर लेगा? वो शैला के साथ बहुत सीरियस है और वो उसके अलावा किसी से शादी नहीं करेगा। फिक्र ना कर, मैं समझा लूंगी, बच्चों से होती हैं गलतियां, माँ बाप भी समझाते हैं ना। अम्मी आप ये क्यों समझती हैं कि शुजा भोला और मासूम बच्चा है, वो आपकी सादत मंदी में आपको मनाना चाहता है। अगर उसने बगावत कर दी तो कर ले बगावत, खसमा नु खाए, बाकी ने जो हार बनाया ना ये भी बना ले। प्यारी अम्मा मेरी बात सुने, एक ही तो भाई रह गया है मेरे पास, बाकी भाइयों को तो सहारा भी नहीं रहा, आप कम से कम उसको तो ना गवाएं। अरे मान लीजिए अलग आकर मुझे मान जा। अरे आए हाय मेरे बाल तो छोड़ मेरी प्यारी अम्मी। शुजा ने काम छोड़ने का ऐलान किया है, तो मैडम भी काम छोड़कर उसके साथ जाना चाह रही है। अभी शूटिंग तो लेट करवा दी है मगर ज्यादा नहीं रोक सकेगी। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम भाई साहब, क्या हाल है जनाब? फरमाए नान अलीम पेश करूं के नान चने? खाना पीना बाद में करेंगे हाजी साहब, ये बताएं ठेला आपका है? हाँ जी, अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है मेरा ही है। बड़ा चर्चा सुना है आपके चनों का, बड़ी दूर से आए हम लोग खाने। मस्जिद सारी उसकी देन है। खैर से कहाँ से आए हैं जी? गुलबर्ग से आए, आसिम हुसैन मेरा नाम है, और दफ्तर में काफी देर से आपके चनों के चर्चे सुन रहे थे, हमने कहा क्यों ना ट्राई किया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, खैर से कौन से दफ्तर में काम करते हैं? कि एंटी करप्शन, और ये मेरे कजन है राशिद भट्टी साहब, बैंकर। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अजी साहब आप हमेशा से यही काम करते हैं? नहीं जी, बस दो तीन महीने से ये रेडी लगानी शुरू की है। पहले आगे बाजार में मेरी दूध की दुकान होती है। आपके रख रखाव से तो अंदाजा होता है कि आप खानदानी इंसान। ऐसा मैंने इसलिए पूछा कि आपकी रेडी पर जीटी होटल का नाम लिखा हुआ है, तो इसी नाम की दुकान से हमारे बैंक से कर्जा लिया गया। जीटी करियाना स्टोर पर? जी, आप जानते हैं हमें, है इसी इलाके। जी जी, वैसे आप बता सकते हैं कि कितना कर्ज लिया गया? कर्जा तो अच्छा 30 लाख है, मगर उस पर सूद रेट जरा ज्यादा है। सूद पर कर्जा लिया? आप जानते हैं नहीं? हाँ, वो मेरे बेटे की दुकान है। अली साहब आपके बेटे ने सूद पर कर्जा लिया है, और ना सिर्फ सूद पर कर्जा लिया बल्कि उसी दुकान के नाम पर बैंक से गाड़ी भी निकलवाई है। वो गाड़ी भी सूद पर ली गई है? जी मोहतरम, बैंक के तो सारे कर्जे सूद पर ही होते हैं। चले फिर आपसे मुलाकात हो। Ah
यकीन नहीं आता। हाय हाय, आप कैसे जल्दी आ गए? खैर तो है? यकीन नहीं आता फातिमा, यकीन नहीं आता। सब ठीक तो है? दुकान पे सब ठीक है? अरे उस मालक ने दुकान गिरवी रख के पारी सूद ले लिया है। मैं मर गई। आपको किसने बताया? किसने बताना था? और जिस बैंक से उसने कर्जा लिया है उसका एक अफसर आज होटल पर आया था, उसने बताया। कितना पैसा लिया? 20 लाख। 20 लाख रुपए? हाय रब, तो अभी उतरेगा कैसे जी? और रकम तो किसी न किसी तरह उतर ही जाएगी फातिमा, सूद भी उतर जाएगा, पर इस सूद का जो बोझ है ये कैसे उतरेगा? वो जो गुनाह मेरे अमालनामे में लिख दिए गए हैं वो कैसे तुलेंगे? मैं रब को क्या मुंह दिखाऊंगा? और मैंने तो दूध के पास एक पानी की छिट भी पड़ने दी कि मिलावट ना हो जाए, फिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्या हो गया मेरे लड़कों को? नामिश में अन्न हो गए। और तू बड़ा अफसोस करती थी कि उस सूद पर ली हुई कार में बैठ के तूने सैर सपाटा चूरी। शुक्र अदा कर फातिमा, इस गुनाह से बच गई है। क्या गाड़ी भी सूद की थी? तो और क्या, क्या हो गया मेरे गुलाम को? कोई रिश्वत में फंस गया है, कोई सूद में फंस गया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मेरी दुकान रुपया रुपया जोड़ के मैंने ये दूसरी दुकान खड़ी की थी, पेट पे पत्थर बांध बांध के मैंने उसके लिए सब कुछ किया है, आज उसको भी उन्होंने सूद पे गिरवी रख दिया है। अब आप कहाँ जा रहे हैं? मालिक से बात करें। क्या बात करें? और उससे पूछूंगा कि उसने मेरी हक हलाल की कमाई को इस सूद के जन्म में क्यों झोंक दिया? क्यों, क्यों? आपने से बात करना खुदा का वास्ता, तबीयत पहले खराब है, इनको क्या हो गया मेरे लड़के? मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ।